मदीना की आबो हवा देख आया, मुअत्तर मुअत्तर फजा देख आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। मैं हूं शमशेर अली शेख, रुकैया ट्रैवल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग का जो यहाँ का ब्रांच, उड़ीसा वाला ब्रांच जो है, आज ओपनिंग हुआ सालेपुर कॉलेज रोड में, बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है इसके सामने, ट्रेजरी के सामने, और साइड में क्वीन फैशन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो है रुकैया ट्रैवल एंड टूर्स का नया ऑफिस बोर्ड भी लगा हुआ है, एकदम नज़दीक है कॉलेज रोड में, आज ओपनिंग हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशली जो है उमरा का काम है, हम लोग का जो मेन फोकस काम है उमरा का है, उमरा का पैकेजेस है। हमारे पास अभी फिलहाल तो तीन पैकेज है उमरा का, ठीक है। एक पैकेज जो है 87,000 का है, ये 17 साल सर्विस वाला पैकेज है, 15 दिन का पैकेज है, यानी 14 नाइट 15 डेज का पैकेज है। इसकी जो सर्विस का मतलब होटल थोड़ा दूर में रहेगा, आपको बस सर्विस मिलेगा, 24 आवर बस सर्विस मिलेगा हरम के लिए। कोई आदमी अगर सस्ता ढूंढ रहा है पैकेज, जिसको सस्ते में पैकेज चाहिए, तो उसके लिए पैकेज जो है बेस्ट है एकदम। आप लोग 87 में हमारा आपको भुवनेश्वर से भुवनेश्वर तक का फ्लाइट में आप लोग हम लोग सफ़र कराएंगे, ऐसा नहीं आपको ट्रेन में जाना पड़े बॉम्बे दिल्ली। भुवनेश्वर से भुवनेश्वर फ्लाइट में हमारी जिम्मेदारी खाना रहना होटल सारा कुछ इसमें मिलेगा। दूसरा पैकेज जो है 97,000 का है, ये होटल, ये जो हमारा सिल्वर पैकेज है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मक्का का डिस्टेंस है अराउंड 450-450 मीटर में रहेगा, और मदीने का 100 मीटर के अंदर इसका डिस्टेंस रहेगा। ये पैकेज लोग जो है इसको गोल्ड पैकेज के नाम बोल के 1,05,000-5,000 में बेच रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग का प्राइस भी रिजनेबल है और सर्विस भी अच्छा है। जो आप लोग जाएंगे, जो गए हैं, आप लोग से जो है फीडबैक ले सकते हैं। और एक पैकेज हमारा ये है 1,06,000 वाला जो है, ये जो है कंप्लीट 40 नमाज जो है 40 रकात नमाज इंशाल्लाह मस्जिद नबवी में हम लोग कराएंगे। 9 दिन जो है मस्जिद नबवी में रखेंगे, 17 दिन का पैकेज है, 8 और 7 करके ऐसा पैकेज बनेगा। ये पैकेज जो है 1,06,000 का है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे काम भी है, जैसे हो गया फ्लाइट के टिकट, दुबई का वीज़ा और कुवैत का वीज़ा, स्टाम्पिंग सऊदी का वीज़ा, इमिग्रेशन सर्विस, वीज़ा के रिलेटेड पूरा सर्विस, दुबई का ओके टू बोर्ड, जो भी वीज़ा के रिलेटेड आता है, इमिग्रेशन आता है, सारा काम इंशाल्लाह करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसमें सर्विस ऐड करते जाएंगे, पासपोर्ट अप्लाई सारा कुछ ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे जिम्मेदार माशाल्लाह से हमारे ये हमारे बहनों ही हैं, बाबू भाई हैं, ये संभालते हैं, ये हमारे भांजे हैं शाहिद जमाल साहब, ये संभालते हैं, तो यहाँ पर इन लोग रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तो रहता नहीं हूँ, ये सारे जो है जिम्मेदार इन लोग ही हैं, इन लोग ही यहाँ सारे जो है हैंडल करेंगे, जो भी है सारा लोग इन लोग ही करते हैं, पूरा उड़ीसा का काम इन लोग ही है। और हम लोग तो वहाँ रहते हैं, मक्का में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर जो भी है मैं वहाँ पर अरेंजमेंट करता हूँ। बाकी जो भी है आप इनका रास्ता करें, हाँ दोनों का नंबर है इनसे, नहीं इधर इधर भी है, बाहर भी है, बोर्ड में भी है, विजिटिंग कार्ड भी है इन लोग का, आपसे मिलिए और रास्ता करें, जो भी इंशाल्लाह होगा बेटर करेंगे हम लोग, अच्छी से अच्छी सर्विस देने का कोशिश करेंगे। हम लोग का जो भी हमारा पैकेज है तीनों पैकेज में आपको जो है इसमें होटल का डिस्टेंस का फर्क रहता है, और इसमें डेज का फर्क रहता है, दिन का फर्क रहता है। उसके अलावा आपको उमरा के साथ हमारे तरफ से जो है टिकट मिलेंगे, वीज़ा मिलेगा, और जमजम कॉम्प्लीमेंटरी है, आने के टाइम आपको जमजम 5 लीटर का मिलेगा। उसके अलावा इंडियन फूड, लॉन्ड्री सर्विस मिलेगा, आपको कपड़े धुल धुलाई मिलेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और मक्का का ज़ियारत, मदीना का ज़ियारत। उसके अलावा एक सर्विस जो है ऐड करता हूँ मैं, दूसरे ट्रैवल वाले इसको देते नहीं, वो होता है स्पेशल एक दिन जो है मैं अलग से बदर का ज़ियारत कराता हूँ सेपरेटली, आपको लेके जो भी मेरे हाजी जाते हैं उन लोगों को मैं बदर का ज़ियारत सेपरेटली एक दिन में अलग से कराता हूँ। ये जो है कोई भी ट्रैवल वाले नहीं देते, क्योंकि बदर जो है मदीने से करीब करीब 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, करीब करीब आपका 200-250 पकड़ के चलो। तो उसमें जो है बीर रुआ है, बीर शिफा है, जो जहाँ पर जो कुएँ का पानी वगैरह है, शिफा वाला कुआँ, तो वो जगह का जो है स्पेशली मेरे तरफ से जो है मैं हमारे हाजियों को ज़्यारत वगैरह कराता हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम भुवनेश्वर से लेके भुवनेश्वर तक सारी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं तो यहाँ ऑफिस में नहीं रहूँगा, ऑफिस में जो है हमारे शाहिद जमाल साहब रहेंगे, ये मौलाना इदरीस साहब के नाती हमारे भांजे हैं, और फजल इमाम हमारे बहनों ही साहब है, वो भी रहेंगे हमारे ऑफिस में, उन लोग यहाँ हैंडल करते हैं उड़ीसा, उन लोग देखते हैं। बाकी मैं तो मक्का में रहता हूँ, और हमारे शाहिद जमाल साहब के वालिद साहब गुफरान भाई भी मक्का में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर हैंडल करते हैं, मक्का मदीना देखते हैं, हम लोग खुद ही देखते सारा कुछ, खुद देखते ही करते। तो हमको सर्विस का मौका दीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, और दुआ में भी याद रखना।